नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तराखंड से है, जहां 16 जनवरी से आरंभ होने वाले कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान के बारे में स्वास्थ्य सचिव श्री अमित नेगी द्वारा सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की गई। स्वास्थ्य सचिव श्री नेगी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। उत्तराखंड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड वैक्सीन की 1,13,000 डोज आज प्राप्त हो गई है। कोविड-19 वैक्सीन आज मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 12:15 पर स्पाइसजेट की फ्लाइट से देहरादून एयरपोर्ट पर 2:45 पर पहुंची। एयरपोर्ट से वैक्सीन को निर्धारित कोल्ड चैन प्रणाली के अंतर्गत देहरादून स्थित राज्य केंद्रीय औषधि भंडार गृह में लाया गया, जहां पर इसे वॉक इन कूलर में सुरक्षित रखा गया है। केंद्रीय औषधि भंडार से वैक्सीन का वितरण निर्धारित मात्रा के अनुसार सभी जिला एवं रीजनल वैक्सीन भंडार गृहों को आज शाम तक कर दिया जाएगा और वैक्सीन कल प्रातः सभी जनपदों के वैक्सीन भंडार गृह में पहुंच जाएंगी। राज्य के दूरस्थ जनपदों में वैक्सीन कल दोपहर तक पहुंच पाएगी। वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए सभी जनपदों की वैक्सीन वाहन राज्य मुख्यालय में पहुंच चुकी हैं तथा वैक्सीन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वैक्सीन वाहन के साथ साथ एक पुलिस स्क्वाड भी उपलब्ध कराया गया है। वैक्सीन के साथ साथ प्रत्येक डोज के लिए उतनी ही मात्रा में ऑटो डिस्पोजेबल सीरिंज भी उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीनेशन हेतु प्रत्येक लाभार्थी को एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा, जिसकी आपूर्ति भी वैक्सीन के साथ की जा रही है। वैक्सीन की अगली खेप शीघ्र ही राज्य को मिलने की संभावना है। वैक्सीनेशन चरणबद्ध तौर पर किया जाएगा। 16 जनवरी 2021 से हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान, मिलिट्री अस्पताल एवं राज्य के सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात समस्त हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।